कमाल है, कमाल है, कमाल है, अपने मुल्क के लिए वो कमाल है, बेहतरीन मिसाल है, हर चीज़ उनके नाम है। और इधर बात कर ली जाए अपने प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की, तो वो सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? बदनाम है, बदनाम है, बदनाम है। लेकिन भारत जो है उसकी लीडरशिप कुछ डिफरेंट करने जा रही है। बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। अच्छा वज़ीर आज़म नहीं है? नहीं जी बिल्कुल। वो कैसे? वो इस वजह से क्योंकि उसको ना तो इतना नॉलेज है चीज़ों का, मतलब उसको वो तो वैसे बस यही उनको मुल्क हलाल के बारे में भी नहीं पता, वो आगे बाहर जाकर बाहर फॉरम पर बात नहीं कर सकते, तो ऐसे वज़ीर आज़म का हमने क्या करना? आपको पता है ज़ाहिर है जब एक कौम को आप लेकर चलेंगे और आप एक कौम के मफाद की खातिर चलेंगे और आपको अपना फॉरन जो सब उसको अपनी कौम के दायरे कार में लेकर चलेंगे तो फिर आपके एज अ प्राइम मिनिस्टर भी आपकी दूसरे कौमें वो आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन हमारा जो इस वक्त, हाँ जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ जो है वो अपने उसमें ट्रेडिशनल ड्रेस में नहीं होता, नरेंद्र मोदी या उनका ये जो एक उन्हीं के ज़बान में परंपरा कहूँ, हमारी ज़बान में जो है हमारा जो रिवाज है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मेरी ये ख्वाहिश भी है कि हमारा जो भी ड्रेस हो, हमारी जो भी लैंग्वेज हो, उसको प्रमोट किया जाए, उसको बोलते हुए हमें शर्म नहीं फील होनी चाहिए। मतलब आज तक हमारी नीयत ही नहीं अच्छी, डेवलपमेंट की नीयत ही नहीं अच्छी, वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे। इंशाल्लाह मुसलमान पूरी दुनिया को शराब करने आया था, मुसलमान ने खुद जना कट्टे चला, खुद शराब कट्टे चला, मुसलमानों ने कलमा कलमा गो की बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। मैं नारगली दावा देने गया, मैं कहा भाजी ये काम ना करो, अल्लाह का अज़ाब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। हम जब भी पाकिस्तानी मीडिया को देखते हैं तो वहाँ पर भारत को लेकर बातचीत होती रहती है, कई बार भारत की डेवलपमेंट को देखकर अच्छी बातें भी होती हैं और कई बार हम देखते हैं कि भारत को लेकर ना ख़राब बातें भी होती हैं, जिसमें वो गजवाई हिंद की बात करते हैं या मोदी सरकार को जो है ना बुरा भला कहते हैं। तो लेकिन लगातार पाकिस्तान की मीडिया में भारत को लेकर बातचीत होती रहती है, तो ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना, ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय इंडिया के नरेंद्र मोदी की, प्राइम मिनिस्टर की, तो उनका नाम सुनते आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है? कमाल है, कमाल है, कमाल है, अपने मुल्क के लिए वो कमाल है, बेहतरीन मिसाल है, हर चीज़ उनके नाम है। ठीक है, और इधर बात कर ली जाए अपने प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की, तो वो सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? बदनाम है, बदनाम है, बदनाम है। वो कैसे? हर जगह भी देखा नहीं अभी रिसेंटली क्या तमाशे हो रहे हैं, माशा से हमारा मुल्क जो है पूरा ही जो है आवाम ने जो है प्यारा सा हमारा जो मुल्क है उसको तबाह कर दिया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उनको आग लगा दी गई है, कौन ऐसे अपने मुल्क के साथ करता है? कोई भी नहीं। अभी नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उनको फ्रांस ने इन्वाइट किया है मिलिट्री में एज अ गेस्ट, वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, इंडिया को इतना अपर लेवल पर ले गए हैं, उनको बहुत सी कंट्री गेस्ट के तौर पे इनवाइट कर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए सब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली बात है, जो हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं इंडिया के जो हैं अपने मुल्क के साथ बहुत लॉयल हैं, उन्हें काफ़ी देखें अब जो है उनका जो मुल्क है चाइना को डिबेट करता है, मतलब कि अब मुझे लगता है कि अब चाइना उसके सामने कुछ भी नहीं रहा, जहाँ पे एप्पल इंडस्ट्री आ सकती है, हर चीज़ हो सकती है, तो मेरे ख्याल से अब तो मैं अभी तो फ्रांस है पता है और काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनको बुलाएंगे और काफ़ी अप्राइज करेंगे इनको, इनके लिए बहुत मतलब कि बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। आपको पता है नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने मिलिट्री में एज अ गेस्ट इन्वाइट किया है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फ्रांस एज अ गेस्ट इन्वाइट कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ज़ाहिर है जब एक कौम को आप लेकर चलेंगे और आप एक कौम के मफाद की खातिर चलेंगे और आपको अपना फॉरन जो सब उसको अपनी कौम के दायरे कार में लेकर चलेंगे तो फिर आपके एज अ प्राइम मिनिस्टर भी आपकी दूसरे कौमें वो आपकी इज्जत करेंगी, लेकिन आप अगर अपनी कौम को साथ नहीं लेकर चलेंगे, उनकी मांगों के ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर आपकी इज्जत नहीं होगी। अब बात की जाए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान में कहीं भी कुछ भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं? बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है उनसे, और जैसे मतलब एज एडमिनिस्ट्रेटर लोग चाहते थे कि वो एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वो वैसा काम नहीं कर सके। आपको नहीं लगता नरेंद्र मोदी ने इंडिया की इतनी डेवलपमेंट किया, इंडिया का बजट सेट किया, इंडिया की जो करेंसी है वो ग्रो कर गया, इंडिया की करेंसी में बाकी ममालिक ट्रेड कर रहे हैं, और अभी जो न्यूज़ आई है वो ये है कि फ्रांस ने नरेंद्र मोदी को मिलिट्री में एज अ गेस्ट इन्वाइट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली जाए तो वो तो पाकिस्तान में जल्दी नज़र नहीं आते, तो किसी कंट्री ने एज अ गेस्ट उनको क्या इन्वाइट करना है? वो ऐसे ही है कि नो डाउट कि इंडिया जो वो तो नरेंद्र मोदी के अपने पर्सनली मसले मसाइल हैं कि वो जो है करप्ट भी है सारा कुछ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है और कोई भी मुल्क जो है वो इसी एंगल से ही देखता है कि उसको बिजनेस उस मुल्क से कितना मिलेगा और वो मतलब कितनी बड़ी मंडी है, वो इस एंगल से उसको बुलाया गया। हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं
अगर किसी को कुर्सी मिल जाती है तो वो इतना मुल्क की डेवलपमेंट पे इतनी तवज्जो नहीं देता जितना वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो हर वक्त प्रोटेक्ट अपनी कुर्सी को ही करता रहता। तो डेवलपमेंट क्या होनी है, जब आपने अपने मुल्क की डेवलपमेंट नहीं करनी तो किसी मुल्क ने आपको क्या बुलाना है या किसी मुल्क की नज़रों में आपके मुल्क की हैसियत क्या रह जानी है? आप क्या कहेंगे इस पे? ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। अपनी लैंग्वेज बोलते हुए, उर्दू बोलते हुए अगर थोड़े से अड़ गए तो चलो थोड़ी सी शेम होती है भाई, वो तो हमारी मदर हम लोग कॉपी करते हैं, हमारी मां नहीं है। हाँ जी, वही ना, हम कहते हैं इंग्लिश बोले, पैंट कोट पहने, वो लोग नहीं करते, इसलिए वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। दूसरों का लिबास पहन के प्राउड फील करने वाली कौम, दूसरों की लैंग्वेज मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके बोल के प्राउड फील करने वाली कौम, तो इस तरह की कौम जो दूसरों के रिवाज को अपना के और दूसरों की लैंग्वेज को अपना के प्राउड फील, उनका फिर दुनिया में कहीं मकाम नहीं होता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है? गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा। गुस्सा किस चीज़ का? क्योंकि इंसान अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके जो है ना वो मतलब मुल्क के बारे में या मतलब दूसरे वैसे पड़ोसी मुल्क के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। वो अच्छा। वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर गया, अभी भी आप कह रहे हैं कि वो मुल्क के बारे में ठीक नहीं सोचता। कहाँ नहीं, ये तो बात नहीं भी कहाँ कहाँ ले गए, क्योंकि उनके मुल्क के हालात भी बहुत ख़राब हैं। वहाँ आप देखें उनकी जो है ना वो गरीब वहाँ पे भूख ही मार रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनका मुल्क जो है वो उनको मतलब पर लग गए हैं। वो गरीब वाम तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा भूखी मार रही है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा उधर मार रही है। ठीक हो गया सर, मेरा जो मेन सवाल है वो ये है कि बात कीजिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? शहबाज शरीफ, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ अच्छा वज़ीर आज़म नहीं है। नहीं जी बिल्कुल। वो कैसे? वो इस वजह से क्योंकि उसको ना तो इतना नॉलेज है चीज़ों का, मतलब उसको वो तो वैसे बस यही उनको मुल्क के हालात के बारे में भी नहीं पता, वो आगे बाहर जाकर बाहर फॉरम पे बात नहीं कर सकते, तो ऐसे वज़ीर आज़म का हमने क्या करना। आपको पता है फ्रांस ने नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया मिलिट्री में एज अ गेस्ट इन्वाइट किया, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कहीं पर इन्वाइट ही नहीं किया जाता, क्या रीज़न है? वही तो बात कह रहा हूँ ना, अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में कुछ होता तो वो भी बुलाते, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो वहाँ पे बात भी नहीं कर सकते, उनको मतलब उनमें वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो वो कैसे उनको बुलाएं? अब इमरान खान को देख ले, वो किसी जगह पर जाकर वो लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए ना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इस वीडियो में कंपैरिजन किया गया है मोदी सरकार का और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का। जैसा कि हम सबको ही पता है कि मोदी सरकार किस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी पर काम कर रही है, लगातार विदेशों के दौरे किए जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग देशों में ये दौरे होते हैं और वहाँ पर जो है ना अलग अलग जो है ना मुआहदे किए जाते हैं, जिसमें अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर का जो अमेरिका दौरा है उसको लेकर भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे मुआहदे होने वाले हैं, जैसा कि $3 बिलियन की डील होने वाली है अमेरिका और भारत के बीच में, जो प्रेडेटर अटैक ड्रोन है उनको खरीदने वाला है भारत, तो इसको लेकर भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। इसके अलावा जो अमेरिका की एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वो जो इंजन है हवाई जहाज़ के जो इंजन आते हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र को लेकर उसको भी बातें हो रही है कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ना जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को की जाएगी, और अगर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र होती है तो ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि ये जो इंजन आते हैं जहाज के, ये इनको बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, केवल गिने चुने 2-3 देश ही हैं जो इन इंजन को बना सकते हैं, बाकी इनको कोई भी नहीं बना सकता है। तो अगर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है तो ये आने वाले फ्यूचर में भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होने वाली है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में कंपैरिजन हो रहा है कि मोदी जी बेहतर है या शहबाज शरीफ बेहतर है, तो स्पष्ट यहाँ पर पता चल रहा है कि पाकिस्तान का कोई मुकाबला यहाँ पर भारत के साथ कहीं कोई बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा पाकिस्तानियों की आदत है वो हर बार भारत के साथ अपना कंपैरिजन करते रहते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लेकर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।